तब ब्रह्मा बोले आप एक दिन के लिए मुझे छोड़ दो, मैं देखता हूँ कि क्या करना है आगे, इसमें क्या करना है। ब्रह्मा तपस्वी अपना तप करने लगे और ब्रह्मा ने कहा कि इसका दोष किस प्रकार निर्णय कराया जाए। अगर जिस तपस्या के माध्यम से राक्षस तपस्वी होकर इंद्र को हराने आते हैं, इंद्र को निकाल देने आते हैं, तो फिर उस तपस्या का फल अगर इंद्र के पास हो तो इंद्र तो पदच्युत नहीं होगा। इंद्र की तपस्या का फल मिलने के लिए क्या करना चाहिए, इंद्र की तपस्या को उसका फल मिलने के लिए क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा स्वयं ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हम पदच्युत होने या दुखी होने का कारण क्या ढूंढते हैं? बोलते अगर घर की नाभि, घर की नाभि नहीं, घर का सेंटर ठीक हो। अभी हम भी हमारे पास देखते हैं कभी कभी घर का वास्तु, कभी ईशान्य कोण बढ़ जाता है या अब उसका सेंटर कहाँ से निकाले, या तो कोई और दूसरा कोण बढ़ता है, प्लाट टेढ़ा फेढ़ा होता है, उसका सेंटर कहाँ से निकाले, सेंटर नहीं होता, सेंटर मिलता नहीं। उस समय उन सभी लोगों ने कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका निराकरण एक ही हो सकता है। बोले इसका निराकरण हम तीनों, ब्रह्मा विष्णु और महेश, हम तीनों मिलकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो विश्वकर्मा ने कहा और भगवान इंद्र ने कहा प्रभु हम अगर आप भगवान विष्णु को देखते हैं तो समुद्र में बैठे शेषनाग पर बैठे, क्या वास्तु है वहाँ, अच्छे हैं सुखी हैं बैठे हुए। जाकर शिव जी को देखते हैं तो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, उनको क्या दुख है, वो योगी से बैठे हुए। सारा दुखी हूँ तो देवताओं का राजा मैं ही हूँ, बार बार दुखी होता हूँ यही कारण है मेरे को, मैं ही दुखी होता हूँ, देवताएं सब अच्छे ही हैं। अभी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए शिव जी को क्या दोष, या समुद्र में बैठे हुए शेषनाग पर सोए विष्णु को क्या दोष है? अगर वैसा देखा जाए ब्रह्मा जो नाभि कमल कमल खिलाए कमल पर बैठे हैं उनको क्या दोष है, उनको वास्तु दोष नहीं, सिर्फ वास्तु दोष इंद्र को ही लगता है प्रभु। अब आप इसका कोई ना कोई निराकरण करें कि हम दुखी ना हो, हमारा है दुख हो ही नहीं, कोई आके तपस्वी आकर छेड़े ही नहीं। अब हमारे पास मैं बहुत से लोगों को सुनता हूँ, गुरु जी घर बांध रहा हूँ, बाजू वाला बहुत सता रहा है, वो वही है कि तेरे को आगे बढ़ने नहीं देता ना पीछे आगे नहीं आने के आने नहीं देता। घर में बैठे हैं तो पैसे कमाने के लिए नौकरी को जाते हैं तो बात सताता है, नहीं तो और दूसरे और धैर्य से सब पैसा जुटा कर अगर कमा भी किए तो या तो चोर लूटता है, नहीं तो आजकल के दूसरे लोग लूट के जाते हैं, नहीं तो दामाद लूटता है नंबर वन, दूसरा और बेटा, ये सारी चीज़ें हैं जो अपने अपने कर्मों के अनुसार अनुभव करना पड़ता है। पत्नी है, बच्चे हैं, दामाद है, बेटी है, सब लूटने वाले हैं नंबर वन। और ये आखिर में क्या कर रहा है, इतना कमा के किसको दिया, जाते गए तो खाली हाथ ही जाता है, इसके साथ कुछ है नहीं। तो इस इन सारे जीवन में ऐसा कब होता है कि जो आदमी अपने आप को सुखी समझे, या कुछ भी कष्ट हो उसको सहने की शक्ति हो, उसको सहने की शक्ति हो, वो सहन करे। ऐसा जब उन्होंने पूछा तो ब्रह्मा ने उनसे कहा कि मैं तेरे स्वर्ग में एक ऐसे यंत्र का निर्माण करके रखता हूं जिसको ब्रह्म उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मा स्वयं अपने उपनिषद में कहते हैं कि एक ब्रह्मांड में मैं ब्रह्मोनिष उपनिषद से उन देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करता हूं, उन देवताओं को रखता हूं जो वास्तु से निर्मित है, उसको ब्रह्म वास्तु दोष निवारण यंत्र कहा गया है, और उसको अगर मैं तेरे स्वर्ग में स्थापन करता हूं तो तू याद रख, जब तक उस स्थापना नाभिमंडल में यानी घर के सेंटर में होगी या घर के ईशान्य कोण में होगी, उस घर में कोई राक्षस आकर या उस घर में ऐसा राक्षस पुत्र भी पैदा नहीं होगा ना, कोई ऐसी राक्षसी बहू भी नहीं आएगी ना राक्षसी सास होगी। ये तो आप पहले अपने अपने छोटे से जीवन में तो अपने लिए यही राक्षस है, यही कष्ट देने वाले ज़्यादा से, अपनी पत्नी, अपनी सास, अपने ससुर, अपने दामाद, अपना बेटा, ये हमारे को पहले कष्ट दे। ये तो घर के अंदर की बात होगी, घर के बाहर के शत्रु तो और अलग ही। पहले घर में लक्ष्मी पैसा रहा तो सब लोग पूछने वाले, पैसा नहीं रहा तो कोई पूछने वाले नहीं, तो पैसा टिकके रहे, सर्वस्वी शासक, बच्चा मूर्ख ना हो, विद्वान हो, और हमारे घर में पैसा आता रहे, पैसा टिकके रहे, और उसको पैसों को लूटने वाले नहीं हो, सब लोग सुखी संसार हो। तो स्वर्ग में अमृत हो, अमृत को उठाने के लिए भी बहुत बार राक्षस आए और अमृत को, अमृत का कलश उठा के लिए। हम अब जो देखते हैं कि 12 वर्ष को एक बार कुंभ जो होता है, राक्षसों के भय से ही बृहस्पति लेकर हर एक नदी में रखते हैं और हम कुंभ मेला को उस अमृत भांड के लिए स्नान के लिए जाते हैं, तो वहाँ वो भी है अमृत रखे हुए हैं। अपने घर में पैसा रहा तो लूटने वाले आएंगे, तो फिर इस सभी से रक्षा कैसे हो? हर बार हम देखते हैं कोई सिंहस्थ में हुआ, किसी में हुआ, कोई कभी कुंभ मेला गंगा नदी पर आया, कभी नर्मदा नदी पर, कभी गोदावरी नदी पर, ऐसे हम कुंभ मेलाओं को हर नदी पर देखते हैं, जबकि बृहस्पति उसको अमृत भांड को उस आकर उस नदी में रख देते हैं और हम उसको कुंभ कहते हुए उस नदी से स्नान करते हैं जिसमें अमृत भांड रखा हुआ है। तो अमृत भांड को उठाने के भय से भी हम ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो हमारे घर में भी अमृत भांड, या तो अपनी पत्नी अपने बच्चे हैं, या तो फिर पैसा रखा हुआ है, इनको कुछ हो जाए, अपने बच्ची को कोई देखे, कोई
छेड़े कुछ हुआ वो भी दुख का कारण है, अपने बच्चे को कोई करे ये भी दुख का कारण, ऐसे दुख अपने को ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए। जब ब्रह्मा ने इंद्र को पूछकर कहा कि मैं ब्रह्मोपनिषद में निर्मित एक वास्तु यंत्र देता हूँ जिसको घर के नाभि में यानी घर के सेंटर में, जहाँ घर का सेंटर नहीं होता वहाँ ईशान्य कोण में, इस यंत्र को रखकर मैं जो कहता हूँ उस मंत्र को तुम 3 रात्रि करो, उसके ऊपर जल चढ़ाओ और अभिषेक करते 3 रात्रि उस मंत्र को करो। करने के बाद उस यंत्र को या तो ईशान्य कोण में या तो घर के नाभि स्थान में रखकर, एक बात याद रखना, हर पूर्णिमा के ऊपर उसको केवल जल चढ़ाना जिस मंत्र को मैं बोला हूँ। आप आपके घर में या स्वर्ग से कोई उठा के आपको ले जाने वाला नहीं, आपको नहीं होगा, आपके स्वर्ग से इंद्र तुम्हारे को भी नहीं होगा। जो ब्रह्मोपनिषद में ब्रह्मांड पुराण में सब स्वयं ब्रह्मा ने इंद्र को कहते हुए, विश्वकर्मा को कहते हुए जो इंद्र यंत्र दिया था, वो अपने वास्तु स्थान में, वो वास्तु चाहे अपना घर हो, अपना मंदिर हो, अपना दुकान हो, अपना कोई हो, जहाँ गलती से हमारे वास्तु होगा, कोई मर गया घर में या कोई उठ गया, तो उसका अगर हम सही से दिल से शांति नहीं हुई तो भी अपने पास कहते हैं कि ऐसा होता है। तो हम देखते हैं ये सारी चीज़ें हर एक मनुष्य को किसी न किसी रूप से सताते ही रहते हैं। जब हम कहीं से बाहर से काम करके आए और घर में एक आनंद के साथ सभी अपने बच्चे बहुओं के साथ सबके साथ आनंद के साथ सो जाए तो अपने को लगता है कि घर आया हूँ, नहीं तो हम घर से बाहर बाहर घूमते रहते हैं क्योंकि घर में गए तो किरकिरी है यार, घर में कुछ ना कुछ बना रहता है, घर एक शांतिप्रद हो। वैसा ही इंद्र को कहते हैं कि इंद्र को तेरी इंद्र सभा तेरा स्वर्ग शांतिप्रद हो, ऐसा कहा गया। तो इंद्र ने कहा कि वो यंत्र कब तैयार होगा, ब्रह्मा ने उस यंत्र तैयार करने के लिए विश्वकर्मा को बोला और विश्वकर्मा ने वो यंत्र तैयार किया। जब वो यंत्र तैयार होकर आया तो आके स्वर्ग में इंद्र के साथ बृहस्पति जी ने उसका पूजन करते हुए इंद्र के उसमें स्थापन किया। उसी समय क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद के बाद उनके हुए विरोचन के बाद बलि चक्रवर्ती, ये सारी चीज़ें थे। हिरण्यकश्यपु के साथ तो इंद्र को भगाते ही रहे, बाद के जितने भी राक्षस तपस्वी हुए वो लोगों ने प्रहलाद ने इंद्र को नहीं छुआ, न विरोचन ने छुआ, न बलि चक्रवर्ती की तपस्या इतनी थी, जो भगवान के बारे में बहुत दान करने में भी उतने ही दानी थे और बहुत श्रेष्ठ भी थे उन्होंने किया। तो उनके दान की प्रक्रिया सुनकर, उनके तेज को सुनकर ये हुआ कि बलि को किसी भी तरह स्वर्ग देना ही है, इंद्र की पदवी देना ही है। अब इंद्र कहने लगा ये तो बिना झगड़े के इंद्र पदवी ले रहा है, मेरा स्वर्ग छीन ले रहा है, इसके बारे में मैं कैसा, इसके लिए क्या करना है मुझे, क्या करने से ये सारी चीज़ें जाएंगी। इंद्र दुखी हुआ और भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा अब इस बात से तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारी तपस्या करके उस पूर्ण हिरण्यकश्यपु के साथ उस वंश में ब्रह्मा की तपस्या करके उनका वर लिया। वे शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा मैं योगी में तपस्या हूँ, इस समस्या से समाधान कर सकते हैं तो केवल एक विष्णु कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पास, विष्णु कहने लगे अरे प्राप्त करता है तो मैं भी उसे कैसे रोक सकता हूँ। अब इंद्र बोला, घबरा गया, बोला प्रभु अब तक झगड़े से आक्रमण करके स्वर्ग को लूट के गए, अब तपस्या से लूट रहे हैं, अब ये मेरी स्थिति क्या है, इसके लिए क्या करें। इंद्र भगवान विष्णु के पास खड़े हुए तो विष्णु ने कहा देखता हूँ उसके लिए क्या करना है, हम तब तक के अवतार देखते हैं, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह अवतार। भगवान ने कहा वो अगर नॉर्मल चतुर्थी नॉर्मल वे में ही कर रहा है तो मैं वामन अवतार में नर अवतार में वहाँ जाऊँ, लेकिन नर अवतार में जाने से पहले उस नर को श्रेष्ठ होना है, नर में वो सारी शक्तियाँ आना है जो बलि चक्रवर्ती की तपस्या को रोके, तपस्या को अपने ऊपर खींच सके, उस नर को देखने के लिए क्या करना है। तो पहली बार ब्रह्मा ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु कहो उसके लिए, उन्होंने कहा कि मैं संसार में ऐसा पुरुष बनाता हूँ जिसमें सारी शक्तियाँ हों और वह मेरे स्थिति से और भी शक्तिवान हो। तो हम जो आज पुरुष सूक्त पढ़ते हैं वो पहली बार नारायण ऋषि है, पुरुष सूक्त के ऋषि नारायण है और उसका अनुष्टुप छंद है और उसके देवता पुरुष देवता है, पुरुष वाले देवता को पुरुष देवता कहा गया और उसको पुरुष सूक्त को पहली बार नारायण ने वामन अवतार लेने से पहले अपने अवतार को पुरुष सूक्त की पूजा की थी और यह पूजा करते हुए उस वामन अवतार में वो सारी शक्तियाँ डाली। इसलिए आज भी हम विष्णुवादी देवताओं को
अपने पूजा स्थान में विग्रहों को पूजा करते हैं उस समय पुरुषोक्त पूजा करते हैं, जो पहली बार नारायण ने नर रूपी वामन को अपनी इस पूजा के साथ पुरुषोक्त पूजा की थी और उन्हें वो ताकत दी थी। जब वामन अवतार में नारायण जी इनके पास पहुँचे, बलि के पास पहुँचे, तो उन्होंने कहा मैं तुमसे नमस्कार करता हूँ और मैं कुछ चाहता हूँ आप देने के लिए तैयार। बलि ने कहा जो भी मांग सकते हो मांगो। बलि को बात उनके बाजू में शुक्राचार्य उनके गुरु खड़े थे और उनको पता चला कि ये कोई नहीं और है, नारायण है, फंसाने के लिए आए हैं, तुम याद रखो। बलि तुम मेरी बात सुनो, वो नारायण है, तुम्हें कुछ ना कुछ फंसाने के लिए आए हैं। तो नारायण ने कहा हे बलि चक्रवर्ती, तुम दान में तो श्रेष्ठ कहलाए जाते हो, मैं दान में तुम्हें जो कुछ मांगूंगा तुम देने के लिए तैयार हो। तो उन्होंने कहा मैं देने आपको दान के लिए मेरे पास कोई आए बटु आए, आप ब्राह्मण के रूप में, नर के रूप में, पुरुष के रूप में आए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग की भूमि चाहिए, 3 पग की यानी 3 पांव रखे ऐसा ऐसी ऐसी भूमि चाहिए। उन्होंने पहला